नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। पहले तो ये समस्या, ये प्रॉब्लम बुजुर्गों में हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नौजवान पीढ़ी में होने लगी है। 30-35 साल के हुए नहीं कि घुटनों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, बैठते हैं तो उठा नहीं जाता, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है, थकान महसूस होती है, शरीर में जकड़न महसूस होती है, घुटनों पर सूजन रहती है, हाथ पैरों में सूजन रहती है, जहां जहां जोड़ है वहां की मूवमेंट सही से नहीं हो पाती। लोग इसके लिए महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं, तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, दुनिया भर के जतन करते हैं, जोड़ों का दर्द तो वैसे का वैसे ही रहता है। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा दर्द में आराम मिल जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे अगले दिन वही दर्द दोबारा होने लगता है। आज मैं आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने जा रही हूँ, ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। ये फर्क आप खुद महसूस करेंगे, लोग महसूस करेंगे। दोस्तों, लगातार अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी की पूरी जकड़न सूजन दूर हो जाएगी, थकावट पूरी तरह से दूर हो जाएगी, जोड़ों का दर्द उसका संचालन सही से होने लगेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं वो नुस्खा बनाना कैसे है। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों, ऐसी चीज का सेवन किया जाता है जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए, जिसका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से कर सके और बॉडी में से वायु और वात को भी दूर कर सके। क्योंकि शरीर के अंदर जब वात बढ़ती है तो हमारे शरीर के हर एक जोड़ को प्रभावित करती है, हर एक जोड़ की ग्रीस को सुखा देती है। इसके अलावा ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता तो इसके साथ साथ मांसपेशियों का दर्द भी लगातार होने लगता है। तो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाना आपने यहाँ 100 ग्राम लेना है। दोस्तों, दूसरी चीज जो ले रहे हैं वो है हल्दी। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है। एक्चुअली करक्यूमिन काम क्या करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, फ्री रेडिकल से हमें बचा कर रखता है, हमें मजबूती देने का काम करता है। तो आपने यहाँ सिर्फ 100 ग्राम के करीब ही हल्दी का पाउडर ले लेना है और 100 ग्राम ही सौंठ लेनी है। सौंठ यानी अदरक का सूखा हुआ भाग। सौंठ के बारे में एक चीज कही जाती है, जितनी भी सूजन है, दर्द है, उसको दूर करने के लिए सौंठ का इस्तेमाल हर एक इंसान को जरूर करना है जिसके हड्डियों में दर्द रहता है, ये कैल्शियम की कमी है। तो दोस्तों, आपने यहाँ 100 ग्राम ही सूट लेनी है और इन तीनों चीजों को अच्छे से पाउडर बना लेना है। आप इसे छानकर पाउडर बना लीजिए। दोस्तों, इसका सिर्फ आपने आधा चम्मच दूध के साथ खाना है। आधा चम्मच आपको शाम को जब आप इसे दूध के साथ सेवन करेंगे, पहले ही दिन में आपकी जो जकड़न होगी वो दूर होगी। 5 से 10 दिन रोजाना अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आपकी हड्डियों का दर्द दूर हो जाएगा, मूवमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। जहां आप सिर्फ अपना घर का काम ही बड़ी मुश्किल से कर पाते थे या फिर वो भी नहीं कर पाते थे, तो अब आप में इतना स्टेमिना होगा, आपके जोड़ों में इतना स्टेमिना होगा कि वो वॉक करने के लिए भी, यानी कि पैदल चलने के लिए भी तैयार होगा और घुटने भी आपस में मुड़ने लगेंगे, यानी आप पलाथी लगाकर भी बैठ सकेंगे। दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।